मैम, आज की डेट में हर कोई बिजनेस करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, बट लोग कंफ्यूज रहते हैं किस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा जाए, किस तरह का बिजनेस किया जाए, बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज के समय में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो फूड इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है ना। हर तरीके से, हर पैमाने पे लोग बिजनेस करते हैं और वो किसी ना किसी लेवल पे जाकर के ग्रो आगे कर ही जाता है। अगर आप एक छोटे से पैमाने पे, यानी कि आप रेडी लगे भी काम चालू कर रहे हैं, तो वो भी ग्रो कर जाता है। और अगर आपके पास में एक अच्छा खासा बजट है, वड़ा पाव गर्ल आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने शुरुआत करी एक लड़की ने, और किस तरीके से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है ना, बिग बॉस तक पहुँच गई। तो उसके बाद में अगर आपके पास में बजट अच्छा है, तो आप एक जो है होटल के ऊपर भी, मतलब होटल खोल करके भी अपना काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जितनी भी, मतलब कि आपको इससे संबंधित जितनी मशीनें चाहिए होती हैं, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मतलब लघु उद्योग के असल निर्माता हैं। बिल्कुल। तो जो भी आपको इससे रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड मशीनें चाहिए, वो सब हम लोग बनाते हैं जी। अगर आप हमारे अकॉर्डिंगली ये मशीनें लेकर के काम करते हैं और इनसे अपना व्यवसाय करते हैं, तो इस बात की पूरी श्योरिटी हम आपको देते हैं। ये मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से पूरी श्योरिटी दी जाती है कि 6 महीने अगर आपने व्यवसाय कर लिया, तो 6 महीने के बाद में जो आपका जो जो भी आपने मशीन में पैसा लगाया, वो आपका रिफंड हो जाएगा। उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा, वो बिल्कुल आपका होगा। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में बता दीजिए, कोई स्टार्टिंग करता है इस बिजनेस को, कितना कमा सकता है पर डे का? पर डे का आप ऐसा बिजनेस लगा करके 5 से 6 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपए पक्का? बिल्कुल, 5 से 6 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्क्रीन पर जो नंबर चलेंगे, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मैम अश्योरिटी दे रही कि 4 से 5 हज़ार रुपए या 6 हज़ार रुपए आप पर डे का कमा सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रतिमा पांडे और आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया। आप मेरे पीछे जो मशीन देख पा रहे हैं, आपको बिजनेस करके देगी और पैसा कमा के देगी। 4 से 5 हज़ार रुपये प्रतिदिन का आप कमा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और खास बताना चाहूँगी कि आपको सपोर्ट करने के लिए सरकार भी बैठी हुई है, केंद्र सरकार प्लस आपका स्टेट, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। मशीन परचेज करते हैं तो आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, मतलब 35% से लेकर 50% तक आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है सरकार। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी कैसी लगेगी वीडियो बताइएगा जरूर। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। नागलोई में एक कंपनी है केसिया इंटरनेशनल, जो कि लघु उद्योग से रिलेटेड बहुत सारी मशीन्स बनाती है। मेरे पीछे जो आप मशीन देख रहे हैं, वो भी एक मशीन इन्हीं की बनाई हुई है, जिससे आप कई तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं। हमारे साथ में जुड़ी हैं याशिका जी केसिया इंटरनेशनल, जो कि आपको सारी जानकारी देंगी किस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, मशीन चलाने के लिए ट्रेनिंग क्या होगी, मशीन आप तक कैसे पहुँचेगी, साथ ही साथ इस मशीन से क्या प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से आप इस व्यापार को करके नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा सकते हैं और अपने व्यापार से अपने पूरे घर को कैसे चला सकते हैं। याशिका, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आप इस बिजनेस के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए, कितने टाइम से एस्टैब्लिश है वो सारी चीजें। मेरा नाम याशिका अरोड़ा है, कंपनी का नाम केसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि दिल्ली राजधानी पार्क के अंदर है, पिलर नंबर 456 के सामने ऑन रोड नियर बाय चौधरी ढाबा जी। आज मैं आपको जो बिजनेस बताने जा रही हूँ, वो है हमारा किचन इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस, यानी कि 12 महीने चलने वाला व्यवसाय अगर आम भाषा में बोलूँ। वैसे हम लोग स्मॉल बिजनेस मशीनरीज के मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि बहुत तरह की मशीनें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी हैं। ठीक है, आज मशीनों के बारे में, जिनके बारे में बात करने वाले हैं, वो एक ऐसा बिजनेस होने वाला है जो खाने पीने संबंधित होने वाला है, और ऐसे बिजनेस की 12 महीने डिमांड रहती रहती है। फूड इंडस्ट्री वैसे ही बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है आफ्टर लॉकडाउन। बिल्कुल मैम, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं, जो हम ज्यादा उसके अंदर घुस चुके हैं, कहूं तो बुरी तरीके से। आज की डेट में सब कुछ वेस्टर्न हो रहा है, लाइफस्टाइल, फूड रिलेटेड सब कुछ, कपड़ों से लेकर के रहन सहन तक और खाने पीने का। आज के टाइम में हर किसी को पिज्जा हो गया, सैंडविचेस हो गए, बर्गर हो गए, रोस्टेड नॉन वेज आइटम में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जो होती है वो लोगों को पसंद आती है। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज ग्रुप के हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बड़े हैं छोटे हैं, हर तरीके के लोगों को ये तरीके की चीजें पसंद आती है। अब आप मेरे पीछे मशीनें देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रोटरी ओवन। ये जो रोटरी ओवन होते हैं, ये बेसिकली उन चीजों के लिए होते हैं जो कि मतलब ड्राई आइटम्स होते हैं। अच्छा। जैसे कि जब सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, वो रस्क हो सकते हैं, वो बिस्किट्स हो सकते हैं, वो कुकीज हो सकते हैं, वो बंद हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आइटम जो खुलने के बाद जल्दी से खराब भी नहीं होते, आप उनको डब्बे वगैरह में डाल करके रख सकते हैं। ये 18 ट्रे का रोटरी ओवन होता है, 16 ट्रे का होता है, 24 ट्रे का होता है, 26 ट्रे का होता है, 48 ट्रे का होता है, 60 ट्रे का होता है। अब ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जो इंसान
मतलब इस काम को करना चाहता है अत्यधिक प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ऐसे रोटरी ओवन लेकर के ड्राई आइटम्स को बना करके अपना काम कर सकता है। मैं आपको ये बिहाइंड द कैमरा आ जाती हूँ जिससे हम थोड़ा सा अच्छे से दिखा सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी मैम बताए मशीन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं इस रोटरी ओवन के बारे में। ये दो तरह के रोटरी ओवन हमारे सामने है, मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से खुलता है, ये इसका अंदर सिस्टम होता है। अत्यधिक प्रोडक्शन के लिए इस ओवन का यूज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये पूरी तरीके से ना इस तरीके से रिवॉल्व होता है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे। अच्छा, ये ट्रेस जो होती है, ये ट्रेस अंदर लग जाती है, अंदर डाइयां फिट हो जाती है। इसको आप चाहे तो पूरा बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल करके जो भी आप बनाना चाह रहे हैं इसमें डाल करके आप उसको दोबारा से अंदर डाल सकते हैं। ये हमारा 18 ट्रे का 16 ट्रे का जैसा आप रोटी ओवन चाहेंगे वो मिल जाएगा ड्राई आइटम्स के लिए। ये ही ओवन होता है। ये इसका पैनल सिस्टम होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, क्या आपको टेम्परेचर रखना है, किस तरीके से आपको काम करना है, कितनी हीटिंग रखनी है, कितना बेकिंग टाइम रखना है, बेकिंग टेम्परेचर कितना रखना है, वो सारा रीसेटिंग करने का जो भी होता है ऑप्शन हमारा यहाँ पर होता है। ट्रेनिंग वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है? इसका ट्रेनिंग भी हमारा इंजीनियर जो होता है वो आपके पास जाता है, जो कि आपको सिखाता है। ऐसा ये वाला ओवन है जिसका आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिकल ओवन होते हैं। इनकी जो होती है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करूँ तो घर की बिजली पे चलने वाले ओवन से ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कमर्शियल मीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं तो ये सोच रही थी इतनी बड़ी मशीन है तो जाहिर सी बात है बिजली जो है वो अलग से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता मैम, जैसा कस्टमर होता है वैसा ही। एक्चुअली ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पर एज पर कस्टमर हम लोग उसकी सारी रिक्वायरमेंट होती है उसका ध्यान रखते हैं। बात करते करते फैक्ट्री भी लाइव दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ना मशीन की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि आप बैकग्राउंड भी देख पा रहे हैं और पीछे कई सारी मतलब हजारों की तादाद मिलने वाली है। बिल्कुल। एक सवाल ना थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मेरा रहेगा कि पर डे कोई कितना कमा सकता है मैम? पर डे ऐसी मशीन को लगा करके आप 4,000 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं। ठीक है ठीक है। ये जो मशीनें होती हैं ये उसके अंदर एक साल की वारंटी दी जाती है, प्रॉपर तरीके से इंजीनियर आपको ट्रेनिंग देता है किस तरीके से काम करना है। और मैं आपको बता रही थी कि ये सिंगल फेस पे मिल जाती है, ट्रिपल फेस पे मिल जाती है। अगर किसी का काम चला चलाया है तो वो ट्रिपल फेस का काम भी कर सकता है, ट्रिपल फेस पे भी कर सकता है। और अगर कोई स्टार्टिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए भी मेरे पास और तरह के ओवन अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला ओवन जो है हमारा सबसे छोटा ओवन हो जाता है। ये गैस ओवन है, ऐसा आपको इलेक्ट्रिक के अंदर भी मिल जाएगा। मतलब गैस वाला ओवन भी मिलता है, इलेक्ट्रिक वाला ओवन भी मिलता है, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर अपना व्यवसाय करना चाह रहे तो बड़े पैमाने में शुरू करना है, एक होटल लेना, बड़ी मतलब बड़ी शॉप लेके काम करना है, एक छोटा ओवन लेकर के एक रेडी पे लगा करके भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर, अगर हम गली या मार्केट के नुक्कड़ पे देखें, कहीं कहीं कोने में देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ओवन को लगा करके जो होते हैं पिज्जाज बना करके बेचते हैं रेडी के ऊपर, गैस वाले ओवन को आपने देखा ही होगा कई जगह पर भी, टिक्कियां होती है वो बिकती है। ऐसे ही ओवन की मदद से आप कर सकते हैं, 12,000 रुपए से स्टार्टिंग है ऐसे ओवन की, ऐसे ओवन को लगा करके आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं और पर डे का 5,000 से 6,000 रुपए कमा सकते हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग ही बताया है, जैसा काम होगा उस तरीके से पैसा आपको जो है प्रॉफिट है वो आपका होने वाला है। बिल्कुल। ये ओवन्स की बात करी, आपको ये ओवन्स हमारे इलेक्ट्रिक और गैस दोनों में मिल जाते हैं। 1 deck 2 tray 2 deck 3 deck 3 deck 4 tray इस तरीके के ओवन्स मेरे पास सारे अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करते हैं इस मिक्सर की, इसे बोलते हैं पेनल्ट्री मिक्सर। आप कुछ भी बनाते हैं, मान लीजिए आप एक पिज्जा ही बना रहे हैं, पिज्जा बनाने के लिए जो एक बेस होता है जिसे हम लोग डो बोलते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं तो उसके लिए आपको एक डो की जरूरत पड़ती है, एक बेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि मिक्सर बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी मशीनों की मदद से आप मिक्सर बना सकते हैं, आप डो बना सकते हैं। डो रेडी करने वाला, जैसे कि हम केक बनाते हैं, केक का जो डो होता है, जो दानेदार डो होता है, वो ऐसी मशीनों की मदद से बनता है। स्पाइरल मिक्सर्स होते हैं मेरे पास, पेनल्ट्री मिक्सर्स होते हैं, ऐसे ओवन्स होते हैं, मतलब गैस में डो बनाने का सारा सॉल्यूशन यही है। बिल्कुल। जब आप इस फैक्ट्री में आए गए हैं केस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो मैंने आपको बताया कि यहीं पर आपको सारी मशीनें जो है वो मिलती है और सारी मशीनों को समझाने के लिए किस तरीके से काम करना है, क्या प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी आपको हम लोग बैठे हैं, इंजीनियर जो है वो हमारा बताता है। आप ये देख सकते हैं कितने सारे ओवन्स जो हैं, ये सारे के सारे मेरे पास में अवेलेबल हैं। इसके ऊपर लिखा भी, अगर आप ध्यान से दिखा सकते हो, तो 1 deck gas pizza oven ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये 1 deck 2 tray electric deck oven उधर पीछे वाले में आप देख सकते हैं 1 deck 2 tray electric deck oven ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक है, गैस ओवन्स है। जैसा आप काम करना चाहे वैसे आप काम कर सकते हैं। अगर आप पीछे तक देखते हैं, ये देखिए, ये इस तरीके के ओवन्स है हमारे पास, बेकिंग ओवन। अच्छा? ये 1 deck 2 tray ovens है ये इस तरीके से, और ये लकड़ी की पेटी के अंदर पैक होकर के जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, कोई बल्क में मंगाना चाहे। बिल्कुल, अगर आप ऐसे कस्टमर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप डीलर हैं और बल्क में ऑर्डर देना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ वहाँ पे मिक्सर वगैरह अवेलेबल है, ये सारा का सारा जितना भी है ये सारा का सारा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स में आता है। ठीक है। जब हम लोग मान लीजिए मार्केट में कचौड़ी का या छोले भटूरे का या पूरी बनाने का व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी प्रूवर ओवन की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपने मैदा को गूंदा। अब घर में अगर आप पूरी बना रहे हैं तो मैदा गूंद के आप फ्रिज में लगा सकते हैं, आटा गूंद के फ्रिज में लगा सकते हैं, लेकिन जब आप व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं, क्वांटिटी में आप फ्रिज में रख लोगे
कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास में ओवन्स अवेलेबल है, उन्हें प्रूवर ओवन कहा जाता है। इन्हीं में से एक है, इस तरीके की ओवन्स हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको आपकी सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो है वो लोन की फैसिलिटी दे रही है, यानी कि मेरे वो दर्शक जो मुझे देख रहे हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ करें लेकिन उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि उनके पास में पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनको सरकार जो है वो लोन की सुविधा देती है। पीएमजी का लोन चल रहा है वो आपको मिलता है, सरकार की आपकी सब्सिडी भी देती है, यानी कि किसी मंथ में आपका काम नहीं चलता है तो आपको उस मंथ में सब्सिडी यानी कि सब्सिडी तो मिलती है, छूट भी मिलती है, यानी कि पेनल्टी से भी आप लोग बच सकते हैं। तो आप सरकार भी आपका साथ दे रही है, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप यहाँ पर आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, कंपनी के अंदर अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मशीनों के साथ साथ जानकारी तो हम आपको देंगे, साथ में आपको लोन की जानकारी भी देंगे। मेरे पास जितनी मशीनें यहाँ पर है, कम से कम 100 मशीनों के हम लोग मैन्युफैक्चर है, और जितनी भी मशीनें मेरे पास में यहाँ पर है, जितनी भी मेरी मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग है, उन सब पे सरकार आपको लोन देती है। यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन देकर के अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। पहले 3 से 4 महीने में आपको जो होती है किस्तें पे भी नहीं करनी होती, एक टाइम पीरियड के बाद में आपका जो इंस्टॉलमेंट का टाइम होता है वो चालू होता है। तो सरकार भी आपको सुनहरा अवसर दे रही है, तो आप इंतजार किस बात का? अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारी कैसिया इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी में आकर के संपर्क कीजिए। याशिका जी ने आपको सारी जानकारी दे दी किस तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं, किस तरीके से मशीन चलती है, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट यूज होते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी गई। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट बाकी लोगों को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक कॉमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें आपके एक कॉमेंट के माध्यम से यह पता लगता है कि हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया लेवल पर किस किस स्टेट में ये वीडियो देखी जा रही है। कॉमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय।